अभी हम सीखेंगे कि सेकंड लेयर जो है उसको कैसे कंप्लीट करना होता है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में फर्स्ट लेयर सीखा था और सेकंड लेयर इसमें हम सीखेंगे। सेकंड लेयर बहुत ही आसान है, बस थोड़ी टेक्निक इसकी जान लेनी होती है। ये मतलब समझ लो आप पहले वाले से भी आसान है। इतनी देखो इसमें होता क्या है, जो सेकंड लेयर है इसमें आपको केवल एस पीस मिलेंगी जिनको आप लोगों को लगाना है यहाँ पे वहाँ पे। अब देखो आप जैसे यहाँ का मान के चलें, यहाँ पे कौन सा कलर लगेगा, इधर से रेड और इधर से ग्रीन। तो रेड और ग्रीन वाला पीस जो है पहले जो लगेगा उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो जो रेड और ग्रीन है, अगर देखो आप जो कलर जिससे मिल रहा होगा, जैसे रेड और ग्रीन है, अगर ये यहाँ पे रेड होता और यहाँ पे ग्रीन होता तो हम रेड वाले से मिलाते, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है तो जिससे मिल रहा है सेंटर पीस पहले उससे मिला लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है ग्रीन टू ग्रीन, वो मिल रहा है उससे मिला लेंगे। रेड मिलता है, अगर रेड होता है यहाँ पे तो रेड टू रेड मिलाते हैं। अब देखो आप जिससे मिल रहा है उससे लगा लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, राइट में लगाना है, हमें राइट में लगाना है, यहाँ पे लगाना है राइट में। अगर राइट में लगाना है तो उसको एक लेफ्ट में घुमा लो, ठीक है, उल्टा घुमा लो इस पीस को, इसको है ना, इसको लेफ्ट में घुमा लो और फिर इसको लाओ नीचे और इसको ले जाओ ऊपर, ठीक ऐसे। ये देखो ये दोनों साथ में आ गया। अब देखो आप इसको नीचे करो और इसको लगा लो। फिर से देखो आप दूसरा पीस लेकर देखते हैं। जैसे ये देखो ब्लू और रेड है तो इसको यहाँ पे ना ला के यहाँ पे लाएंगे ताकि इधर से मैचिंग भी होते रहे, ठीक है। कहाँ लगाना है हमें, लेफ्ट साइड लगाना है तो इसको राइट में लेके चले गए, ठीक। ये वाला पीस राइट में लेके चले गए, इसको डाउन किए हैं और इसको वापस ऐसे ले गए और फिर इसको वापस कर दिए ऊपर। अब देखो आप इसको ऊपर कर दिए, ये दोनों पीस हमारे एक साथ आ गया जो यहाँ पे लगने वाला है। अब आप देखो जैसे पहला वो मेथड था, ये हमारे किधर है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, ये डाउन करेंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट लेयर में कैसे कॉर्नर लगाते थे वैसे ही इसको लगाना है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जो पीस है, देखो आप ऑरेंज और ब्लू, तो ऑरेंज के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, हमें कहाँ लगाना है, लेफ्ट में लगाना है। हम राइट में लेके चले जाएंगे, इसको डाउन कर लेंगे, फिर इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे लेके, ठीक। अब देखो जब यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट वाले में जो लेयर था उसमें कॉर्नर कैसे लगाते थे वैसे इसको लगा लो समझ लो। तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, इसको डाउन करेंगे, ये वापस लाएंगे। ये देखो आप हो गया। अब वही यहाँ देखो ग्रीन और ऑरेंज, तो ग्रीन और ऑरेंज किधर है, यहाँ है, तो ऑरेंज ऑरेंज हम मिला लिए हैं, ठीक। देखो करना कैसे है, जैसे राइट में हम भेजना है तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में घुमाएं, इसको डाउन लाएं, फिर इसको वापस राइट में ले गए, इसको ऊपर ऊपर कर दिए। अब देखो फिर कॉर्नर पीस की तरह राइट में है, राइट में के चले जाओ, इसको डाउन ला दो। ये देखो ये पूरा सेकंड लेयर बन गया। देखो गाइज तो बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं, बट इसमें एक कंडीशन आती है जिसमें शायद आप लोग फंस सकते हैं, मैं वो बना कर दिखाता हूँ एक मिनट में। तो इसमें ये जो कंडीशन है, जैसे आप लोग देखोगे ये ब्लू और ऑरेंज है और ये रेड और ब्लू है, तो क्या है, रेड और ब्लू लगेगा यहाँ पे और ऑरेंज और ब्लू लगेगा यहाँ पे, बट आप इधर तो है नहीं कहीं कि आप वहाँ पे ले जाकर उसको लगा लो। तो आपको क्या करना है, कोई भी पीस लेना है, ठीक है, कोई भी इसमें, जैसे मान चलो हमको यही यहाँ लगाना है, वैसे कर राइट में ले गए। देखो हम उस पीस को वहाँ लगा दिए, तब यहाँ लगा हुआ था ऑरेंज और ब्लू वाला, तो हम इसको यहाँ दिया वापस, हमें कहाँ लगाना है, राइट में लगाना है, लेफ्ट में लेके हम इसको डाउन कर लेंगे, उसको वापस भेज देंगे, फिर कॉर्नर पीस की तरह इसको लगा लिए। देखो ये हो गया, अब हमारा वो खोजते हैं कहाँ है, देखो ब्लू और रेड वाला, तो इसको ऐसे ही करके यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसमें यही कंडीशन है जो स्टेप से होता है, मान चलो कोई आपका पीस यहाँ पे है, यहाँ पे वो फ्लिप है, तो फिर इसको बाहर निकल के वहाँ पे हम लगा सकते हैं दूसरा, मतलब जो यहाँ से पीस अगर आपको यहाँ ले जाना है तो उसके लिए वो रूल होता है कि आप राइट में लाया लेफ्ट में लेके उसको लगा लो, बेसिकली और कुछ नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट डे। टेक केयर एंड बाय बाय। Oh,